हेलो दोस्तों, आज हम दोस्तों बात करेंगे लेथ मशीन के बारे में। लेथ मशीन क्या होती है और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते क्या है इसके, हम मेनली जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम देख लेते हैं। जो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये हमारा है लेग होता है। ये लेग है या फिर एक तरीके से हम कह सकते हैं हमारा बेड है, जिसमें हमारा पूरा मशीन का होल पार्ट क्या होता है, स्टैंड होता है, और ये हमारा रिजिड मटेरियल का बना होता है। ये हमारी होती है ट्रे, जिसमें हमारा कोई भी कटिंग मटेरियल होता है वो हमारा क्या होता है, यही दोस्तों ट्रे पे क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ये हमारा होता है हेड स्टॉक। हेड स्टॉक का मेन क्या है, जितने भी हमारे टूल मैकेनिज्म होते हैं, गियर चेंजिंग का प्रोसेस है, या फिर हमें किसी भी इसकी स्पीड को चेंजिंग करना है, वो सारा चीजें इसमें हेड स्टॉक में हमारा क्या होता है, कनेक्ट होता है। और उसी में हमारा क्या होता है, जॉब होता है, जो हमारा चक लगा होता है इसके अंदर होल टाइप में हमारा दोस्तों बना होता है, जो हमारे जिया होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जॉब को सेट करते हैं। और ये भी चक भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक थ्री जिया चक होता है दोस्तों, एक हमारा फोर जिया होता है। थ्री जिया में क्या होता है, ये जो पॉइंट है हमारा जो हम टाइट करते हैं अपनी जॉब को, वो एक ही पॉइंट हमारा बना होता है और हमारा जो सेंटरिंग होती है वो इजिली हो जाती है। बट फोर जॉब में अगर हमें बिग जॉब को इसमें चक में क्या करना है, लगाना है, तो हम क्या फोर जगह यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो एरिया होता है वो दोस्तों वो बिग होता है। ओके, अब ये हमारा होता है क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड हमारा ये पूरा कैरेज हमारा पार्ट कहलाता है। इसी में हमारा टूल पोस्ट होता है, ये कैरेज स्लाइड होती है, ये एप्रन सैडल, ये सारा पार्ट इसमें करेक्ट होता है। एक एक पार्ट के बारे में अभी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये पार्ट मेरा कहलाता है टेलीस्टॉक। टेलीस्टॉक का मेन वर्क क्या होता है, ये जो हमारी जो जॉब होती है इसको क्या करता है, सहारा देता है कि ये जो सेंटरिंग है वो क्या हो, गड़बड़ ना हो। ये हमारा इसको क्या करते हैं, ये हमारा क्लैंपिंग होता है, इसको जॉब को हम क्या कर देते हैं, क्लैंप कर देते हैं, क्योंकि आगे पीछे दोनों तरीके से मैं कह सकता है मूव कर सकता है। अब ये जो हमारा है पार्ट, जो हमारी व्हील बनी हुई है, इस स्पैंडर लगा होता है, इसको आगे या पीछे कैसे हम आगे या पीछे कर सकते हैं। ये तो मैंने दे दिया दोस्तों जनरल व्यू। अब एक एक पार्ट के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं, जैसा कि मैंने एक नोट्स बनाया हुआ है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया हो या सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें, क्योंकि जितने भी मैकेनिकल के इंपॉर्टेंट है या फिर सिविल का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं इस चैनल पे। ओके, पहला मैं बात करता हूं बेड की। बेड क्या होता है, ये सफिशियंटली रिजिड मटेरियल का बना होता है और इसकी जो डैम्पिंग क्वालिटी होती है, डैम्पिंग क्वालिटी का मतलब जो भी हमारे वाइब्रेशन होते हैं उसको इजली क्या करता है, वियर करता है एंड प्रिवेंट द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस बाय द कटिंग प्रोसेस। जब हमारा कटिंग प्रोसेस होता है उसमें जो भी हमारे डिफ्लेक्शन होते हैं उसको क्या कर सकता है, दोस्तों रोकता है। और क्या करता है, जो हमारे हेड स्ट्रोक होते हैं या फिर अदर भी हमारे जितने भी स्टैटिकल उसमें पार्ट है, वो हेड स्ट्रोक है, टेल स्ट्रोक है, कैरेज है, उसको क्या करता है, शॉक से क्या कर सकता है, वियर करता है या सपोर्ट करता है। एंड ऑल्सो सपोर्ट एंड कैरेज फैसिलिटी एंड मूवमेंट वेन द नेसेसरी। ओके, ये तो हमारा हो गया बेड का रोल। और जैसे कि मैंने बताया था, ये होता है हमारा ट्रे होती है। ट्रे में क्या है, जो भी हमारे एक्स्ट्रा मटेरियल कटिंग होते हैं वो दोस्तों में क्या हो जाता है, यहां इकट्ठा हो जाता है। ओके, अब मैं बात करता हूं हेड स्टोक की। हेड स्टोक, ओके, हेड स्टोक का वर्क क्या है, जैसे कि मैंने जनरल बताया, इट इज होल्ड द जॉब ऑन इट्स स्पैंडल। जो हमारा स्पैंडल लगा होता है उसमें क्या कर सकते हैं, जॉब को हम क्या कर सकते हैं, होल्ड करते हैं। ओके, एंड डिफरेंट स्पीड, और हम उसके अकॉर्डिंग अपने स्पीड के क्या कर सकते हैं, जो हमारा स्पैंडल लगा होता है, जो हमारा यहाँ एक गियर मैकेनिज्म होते हैं दोस्तों, ये ओके, ये 3D व्यू में बना हुआ है, स्पैंडल स्पीड होता है। इसमें क्या हो सकता है, जिस भी अकॉर्डिंग हमें इस चक को क्या करता है, रोटेट करना है, उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इसको हम सेट कर लेते हैं। इसमें हमारा स्पीड एक बार बना होता है गोला गोला, जैसे ये 3D व्यू में दिखाया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं इसको घुमा के इसके स्पीड को हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ओके, फिर कह रहा है बाय द कोन पुल यू ड्राइव बाय द ऑल गियर ड्राइव, कह रहा है इट ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम हेड स्टॉक टू स्पैंडर टू द फीड टू रॉड एंड स्क्रू ऑटोमेटिकली फीडिंग द थ्रेड कटिंग मैकेनिज्म। जो भी हमारी कटिंग मैकेनिज्म है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसको सेट करते हैं। ओके, देयर इज ए होल, एक होल होता है एंड दैट स्टैंड थ्रू द स्पैंडर फॉर ए लॉन्ग बार वर्क। जो भी हमें जॉब को इसमें लगाना होता है, जो हमारा होल बना होता है, इसमें जॉब को क्या कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं चक के अकॉर्डिंग। सेकेंडली मैं बात करता हूं टेल स्टॉक की। टेल स्टॉक क्या होता है, इट सपोर्ट द अदर एंड ऑफ द वर्क व्हेन इट इज बीइंग मशीन बिटवीन द सेंटर। जब हम जॉब को इस सेंटर पे लगाते हैं,
इस सेंटर पे लगाते हैं, तो क्या होता है जॉब, इस जो हमारी जॉब होती है उसको क्या कर सकता है, सपोर्ट करता है ताकि वो जॉब वो इजिली उसका जो सेंटरिंग पॉइंट है वो डिसबैलेंस ना हो। ओके ठीक कह रहा है, द बॉडी इज बोर्ड टू एक्ट एज द बोर्ड विच इज कैरी द टेलीस्कोप। और अगर हमें अगर बोरिंग भी करना है स्पैंडल के अकॉर्डिंग तो हम बोरिंग भी इजिली कैसे कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये हमारा जो हमारा स्पैंडल होता है उसको हम कह सकते हैं टाइट कर सकते हैं, ये हमारा लेफ्ट और राइट दोनों तरीके से कह सकते हैं मूव कर सकता है हमारा टेलीस्कोप। अगर हमें यहां भी लगाना है, इस बेड हमारा जो बना हुआ है इसमें बेड में ये दोनों तरीके से लेफ्ट और राइट मूव कर सकता है। अगर हमें स्पैंडल को आगे या पीछे करना है सपोज दैट, तो हम क्या कर सकते हैं, बोरिंग करनी है तो इस व्हील को हम क्या कर सकते हैं मूव कराते हैं, तो हमारा जो बोरिंग होता है वो इंटरनली हो जाता है। ये हो गया इसके मेन पार्ट। अब हम बात करते हैं इसके कैरेज के बारे में कि कैरेज के दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट है। कैरेज का मेन पार्ट क्या होता है, कैरेज कैन बी मूव लेफ्ट और राइट। कैरेज हमारा लेफ्ट और राइट मूव कर सकता है बाय द हैंड व्हील आर ए पावर फीट, दोनों तरीके से हम इसे मूव करा सकते हैं। ये हमारा होता है कैरेज, इसको हम हाथ से या फिर कैसे भी मूव करा सकते हैं। ओके और इसी में इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, क्या वो क्या क्या अटैच होता है इस कैरेज में। सैडल होता है, क्रॉस स्लाइड होती है, कंपाउंड रस्ट होता है, टूल पोस्ट होता है और एप्रन होता है। अब बात करते हैं हम फर्स्ट पार्ट की, जो हमारा कहलाता है वो हमारा है सैडल। सैडल हमारा क्या होता है, सैडल इज एन एस शेप, एच शेप का इस स्ट्रक्चर का बना होता है जो कास्ट होता है द फिट ओवर द बेड, जो हमारा बेड बना होता है, ये जो बेड होती है हमारी इस पे क्या होती है पूरी हमारा सैडल पार्ट है वो क्या होता है इसमें कास्ट होता है। ओके अलोंग द बेड वे इट कैरी क्रॉस स्लाइड एंड टूल पोस्ट, कह सकता है जो भी हमारे क्रॉस स्लाइड है या टूल पोस्ट है सारे इसमें क्या होते हैं माउंट होते हैं। ओके जो हमारा सेकेंड है वह हमारा क्रॉस स्लाइड। अब देखते हैं क्रॉस स्लाइड का वर्क क्या है। क्रॉस स्लाइड इज माउंटेड ऑन द कैरिज एंड कैन बी माउंटेड ऑन द एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द कैरिज मोशन। जो हमारा स्पैंडल है ये फिर कैरिज है उसमें क्या कैरिज स्लाइड होता है जो कह सकते हैं वो मूव कर सकता है जिसने भी हमें मूविंग करानी है। ओके दिस इज द पार्ट दैट मूव व्हेन फेसिंग कट, जब हमें फेसिंग करनी होती है, जैसे कि हमारे कई इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। और हमारा क्या है, यूज डेप्थ ऑफ कट एंड टर्निंग, जब हमें फेसिंग करनी होती है सपोज ये हमारा इस जॉब को हमें फेसिंग करनी है, इसके इंटरनल फेसिंग करनी है वहां से वहां तक, तो हम क्या कर सकते हैं इसको इजिली कर सकते हैं मूव करा सकते हैं। ओके तो ये होता है फेसिंग प्रोसेस। और जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो हम डिटेल से एक एक करके दोस्तों डिस्कस करेंगे। ये हमारा फिर आता है कंपाउंड रस्ट, कि हमारा आखिर कंपाउंड रस्ट क्या होता है। जैसा कि ये हमारा फिगर है, ये हमारा क्रॉस स्लाइड था, ये होता है हमारा कंपाउंड रस्ट। तो क्रॉस स्लाइड के ऊपर क्या होता है माउंट होता है हमारा कंपाउंड रस्ट। ओके जैसे मैंने लिखा है द कंपाउंड रस्ट इज फिटेड ऑन द टॉप ऑफ अ क्रॉस स्लाइड एंड इट इज यूज्ड टू सपोर्ट द कटिंग टूल, और हमारा जो कटिंग टूल होता है उसको क्या कर सकता है सपोर्ट करता है। इट कैन बी शूल्ड, और इसमें दोस्तों ये किसी भी एंगल पे क्या सकता है मूव कर सकता है। जैसा कि ये है, ये एंगल हो सकता है, यहाँ एक मेजरिंग टूल बना होता है हमारा, उसके अकॉर्डिंग कितनी भी हमें टर्निंग करनी है, उसके एंगल टेपर टर्निंग करनी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं टूल को अपने कह सकते हैं सेट कर सकते हैं। ओके जैसे कि ये लिखा है मैंने, इट कैन बी स्विवल्ड एंड कैन बी मूव एंड रेस्ट बाय द हैंड व्हील बाय फेसिंग द सेटिंग ऑफ द डेप्थ ऑफ द कट, और कितनी हमें कटिंग करनी है वो भी हम सेट कर सकते हैं। फिर हमारा जो लास्ट पॉइंट है, द कंपाउंड रेस्ट हैंडल इज इक्विप्ड विद माइक्रोमीटर, जिसके मैंने बताया कि एक माइक्रोमीटर में डायल होती है, उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं इसको सेट कर लेते हैं हमें कितना भी कटिंग करनी है। अब मैं लास्ट बात करता हूं टूल पोस्ट की। टूल पोस्ट क्या है, टूल पोस्ट इज माउंटेड ऑन ए कंपाउंड रस्ट, ये हमारा कंपाउंड रस्ट है, ये हमारा कंपाउंड रस्ट है, इसमें हमारा क्या सकता है टूल पोस्ट क्या होता है माउंट होता है। एंड इट कैन बी आल्सो बी रोटेटेड एज ए प्रेजेंट ऑफ ए कटर, जैसे भी हमारा कटर होता है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं इसको मूव करा सकते हैं व्हेन योर एंगल इज बेस्ट फॉर द जॉब। ओके जैसे कि ये हमारा जॉब है, इसके अकॉर्डिंग हम इसे क्या कर सकते हैं मूव भी कर सकते हैं। जी दोस्तों, एक मेनली दो टाइप का होता है, सिंगल स्क्रू होता है, एक फोर बोल्ट का होता है। सिंगल स्क्रू में क्या होता है, सिंगल स्क्रू हमारा लगा होता है, उसके कारण हम इसके क्या कर सकते हैं टाइट कर सकते हैं, और फिर जो हमारा जो टूल पोस्ट है वो ऊपर नीचे भी हम इसको अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। लेकिन जब फोर वाला जो होता है सिंगल से बना हुआ है, फोर में क्या होता है इसमें चार बोल्ट लगे होते हैं, हमें जिस अकॉर्डिंग पे हमें जहां भी सेट करना होता है उस टूल को हमें अपने टूल को जो कटिंग हमारा टूल होता है उससे हम सेट कर लेते हैं और दो बोल्ट के सारे उसको क्या कर सकते हैं टाइट कर देते हैं। ओके तो ये होता है मेन वर्क। अब हम बात करते हैं एप्रन की। ये पूरा पार्ट हमारा अगर एप्रन का आता है, जिसमें हमारा हैंड व्हील जो होता है या फिर गियर मैकेनिज्म है, क्लैंपिंग है,
सारी चीजें क्या होती हैं, माउंट होती हैं, और हमारा जो लीवर होता है। ओके, तो ये दोस्तों हमारे मेन पार्ट होते हैं लेथ मशीन के, और मैंने इसकी बात की वर्किंग की। दोस्तों उसमें दो टाइप की मैकेनिज्म यूज होती है, अगर देखें एक हमारी होती है फीड मैकेनिज्म और एक होती है हमारी थ्रेड कटिंग मैकेनिज्म। फीड मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, जो भी हमारा उसमें फीडिंग रॉड होते हैं वो क्या करता है, उसके सारे हमारा क्या सकता है, जो भी हमारा कैरेज होता है या फिर हमारा मूविंग पार्ट होते हैं वो कह सकते हैं दोस्तों मूव कर सकते हैं, वो भी हमारा लॉन्गिट्यूडनल मूव कर रहा है, फिर क्रॉस स्लाइड है, ये सारा चीज इसमें हमारा आता है फीड कटिंग में या फिर कह सकते हैं फीड मैकेनिज्म। अब हम बात करते हैं जो हमारा थ्रेड कटिंग, थ्रेड कटिंग मैकेनिज्म क्या होता है, अगर हमें कोई भी थ्रेड पार्ट काटना है तो हम उसको सेट करते हैं और हमारा जो लीड स्क्रू होता है उसके कारण हमें थ्रेड कटिंग जो इजिली हो जाती है, तो हमारा जो थ्रेड कटिंग ऑपरेशन होता है वो हमारा आता है थ्रेड कटिंग मैकेनिज्म। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।